संभल के जिला अस्पताल में स्ट्रेचर पर रखे मृतक बच्ची के शव को नोचने की कोशिश करते आवारा कुत्ते की खबर दिखाई जाने के बाद संभल की सीएमओ अमिता सिंह ने लापरवाही के आरोप में जिला अस्पताल के सफाई कर्मी और वार्ड बॉय को निलंबित कर दिया है। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों पर कार्रवाई के लिए जांच कमेटी बनाकर 2 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दे दिए गए हैं। कल गुरुवार को संभल के जिला अस्पताल में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से बच्ची के शव को नोचने की कोशिश करते कुत्ते का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिला अस्पताल की लापरवाही और संवेदनहीनता की यह खबर प्रमुखता से अपने चैनल पर दिखाई थी। खबर दिखाए जाने के बाद संभल के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। देर रात स्वास्थ्य महकमे की सीएमओ अमिता सिंह ने जिला अस्पताल पहुंचकर जिला अस्पताल के स्टाफ से बच्ची के शव को नोचने की कोशिश करते कुत्ते की वायरल वीडियो के मामले में जानकारी ली। सीएमएस डॉक्टर सुशील कुमार से जानकारी के बाद सफाईकर्मी प्रदीप और वार्ड बॉय विपिन को निलंबित करने के लिए सीएमएस को निर्देश दिए हैं। बच्ची के शव को कुत्ते के नोचने की कोशिश के दौरान ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और फार्मेसिस्ट के खिलाफ कार्रवाई के लिए जांच कमेटी बनाकर 2 दिन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिला अस्पताल के स्टाफ की बड़ी लापरवाही के इस मामले का जिले के डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य महकमे के अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है। हैरानी की बात तो यह है कि जिला अस्पताल में बच्ची के शव को नोचने की कोशिश करते कुत्ते की वीडियो वायरल होने के बाद भी जिला अस्पताल में मंडराने वाला आवारे कुत्तों के झुंड को भगाने के लिए जिला अस्पताल के स्टाफ ने भी अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है। सीएमओ अमिता सिंह जिस जिला अस्पताल पहुंची उस दौरान भी आवारा कुत्तों के झुंड जिला अस्पताल परिसर में मंडराते दिखाई दिए। दरअसल मामला यह था कि बुधवार की रात असमौली थाना इलाके में अपनी 14 साल की बहन रिंकी के साथ बाइक से जा रहे युवक पवन की बाइक को ट्रक ने टक्कर मार दी थी। ट्रक की टक्कर से दोनों भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन घायल रिंकी ने इलाज मिलने से पहले ही दम तोड़ दिया। इसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने रिंकी के शव को इमरजेंसी वार्ड के पीछे सीढ़ियों के स्ट्रेचर पर रखवा दिया। रिंकी के परिजन घायल पवन का इलाज कराने की कोशिश में लगे थे। रिंकी के शव के पास कोई नहीं था। इस बीच जिला अस्पताल में घूम रहे आवारा कुत्ते ने स्ट्रेचर पर रखे रिंकी के शव की चादर में घुसा दिया और शव को नोचने की कोशिश करने लगा। किसी शख्स ने रिंकी के शव को नोचने की कोशिश करते हुए कुत्ते की वीडियो मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। भाई जिस तरह से कि जिला अस्पताल की लापरवाही की तस्वीर चल रही थी, एक जांच कमेटी आपने बनाई है, अब क्या कहना है और आज यहाँ अभी आए हैं आप अस्पताल में? देखिए, मुझे एक प्रकरण की जानकारी मिली एक शव के बारे में, तो उसमें जो भी प्रकरण है वो सीएमएस सर के संज्ञान में है और मेरे संज्ञान में भी है। इसमें जो भी दोषी संबंधित लापरवाह कर्मचारी है उनके खिलाफ सीएमएस के स्तर से कड़ी कार्रवाई हो रही है और एक जांच समिति भी गठित की गई है उनके स्तर से, जिसमें पूरे प्रकरण की जांच भी की जाएगी। तो मैम शव को आगे से रखने के लिए यहाँ पे कोई शव आता है कोई दूसरा आगे से रखने के लिए उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? व्यवस्थाएं वो अपनी सीएमएस ने करी हुई है और बाकी सीएमओ के अंडर में भी जो मॉर्चरी है वहाँ पर भी व्यवस्थाएं हैं पूरी शव को रखने। जैसे यहाँ जिला अस्पताल में जीने के नीचे स्ट्रेचर पर शव को रख दिया जाता है फिर उसके बाद कोई देखता ही नहीं होंगे, इसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? वो अभी सीएमएस और हम उसको रखा ही जाता वहाँ पे, जब तक उसका अटेंडेंट नहीं होता।